यार 600 में हम कार्डबोर्ड तो एक्सपेक्ट नहीं करते है ना। हाय यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद नेहा एंड दिस इज नेहा। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट का रिव्यू। आई नो बहुत सारे रिव्यू वीडियोस हो रहे हैं, बट इतने सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं एंड आपको मेरे न्यू लॉन्च पे रिव्यू देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ भी मिस ना करूँ एंड आपको ऐसे ही नए नए वीडियोज देती रहूँ। इसलिए आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ फेसेस कैनेडा बनाना कॉम्पैक्ट पाउडर का। तो ये प्रोडक्ट है, इसका रिव्यू मैं शेयर करूंगी। इसको लॉन्च होके काफ़ी टाइम हो गया, आई मीन 1 मंथ हो गया होगा शायद से, और ये मैं 1 मंथ से यूज़ भी कर रही हूँ, लेकिन रिव्यू मैं आज शेयर कर रही हूँ। तो आपने कॉम्पैक्ट पाउडर काफ़ी बार सुना होगा या बनाना पाउडर काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन बनाना कॉम्पैक्ट पाउडर ये 2-in-1 जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस प्रोडक्ट का रिव्यू जानने में तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब हिट द बेल आइकन, क्योंकि मैं जब भी कोई नया रिव्यू बना आप तुरंत पहले एक लाइक कर देना एंड आप कॉमेंट भी कर सकते हैं कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा वीडियो में चलते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये प्रोडक्ट लेने का मेरा कोई भी इरादा था ही नहीं। जो फेसेस का जो स्ट्रॉबिंग क्रीम था मैं उसके लिए वो परचेज करने के लिए उनकी वेबसाइट पर गई थी, लेकिन मुझे ये भी प्रोडक्ट वहाँ पर दिख गया। मैं काफ़ी खुद को रेजिस्ट भी कर रही थी कि मत खरीद, नेहा मत खरीद ये प्रोडक्ट, हमें ज़रूरत नहीं है, बट ये इतना सुंदर लग रहा था ना मुझे, तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। बट ये प्रोडक्ट का प्राइस है 599 रुपीज़ एंड 9 ग्राम का आपको इसमें पाउडर मिलेगा, जो कि आई थिंक थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट जब मैंने इसको यूज़ किया ना मेरे सारे रिग्रेट्स खत्म हो गए। प्लस इसको आप यूज़ कर सकते हो 3 ईयर्स तक। एंड इस प्रोडक्ट की खासियत है इसमें 0% पैराबिन एंड अल्कोहल है। प्लस ये सूट्स ऑल स्किन टोन्स एंड टाइप्स, ऐसे इस पर मैंशन किया है, ब्राइटन स्किन, तो ये इसकी क्लेम है। प्लस विथ हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड का आज बहुत ही ट्रेंड चला हुआ है, जो नहीं वो प्रोडक्ट देख लो उसमें हाइलुरोनिक एसिड होता ही होता है, तो ये हाइड्रेट तो जरूर करेगा। प्लस दिस इज क्रुएल्टी फ्री, तो ये सारे क्लेम्स हैं इस प्रोडक्ट के। बट मुझे ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा कि बनाना कॉम्पैक्ट पाउडर कैसे होता होगा। तो इस तरह का आपको ये आउटर पैकेजिंग मिलेगा, ये कार्डबोर्ड का पैकेजिंग है, काफ़ी सिक्योरली मुझ तक डिलीवर हो गया था। मैंने फेसेस की वेबसाइट से लिया था, तो 3 to 4 डेज में मुझे ये रिसीव हो गया था। तो ये तो होगी आउटर पैकेजिंग की बात, एक्चुअल पैकेजिंग मैं आपको दिखाती हूँ। तो दिस इज हाउ इट लुक लाइक, जो आइसक्रीम का डब्बा नहीं था 10 रुपीज़ वाला, ये बिल्कुल वैसा नहीं लगता। तो इसको देख के मुझे ऐसा लगता था इसको खा जाओ, इसीलिए ये प्रोडक्ट मैंने परचेज किया। तो यहाँ पर भी ये लिखता है कि नेचुरल HD फिनिश, 8 आवर्स ऑयल कंट्रोल। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है ना तो ये आपके लिए बेस्ट है, मैं आपको गारंटी देकर बता सकती हूँ। प्लस इसमें है वाइटामिन सी एंड शिया बटर, तो ये काफ़ी ज़्यादा सही बटरी सॉफ्ट पाउडर है। बढ़ते इसके एक्चुअल प्रोडक्ट की तरफ, तो दिस इज़ हाउ द प्रोडक्ट लुक्स लाइक। यहाँ पे फेसेस का लोगो भी एम्बॉस किया हुआ था, बट मैंने इसको काफ़ी यूज़ कर लिया तो वो मिट गया है। एंड ये पाउडर इतना बटरी स्मूथ है, लाइक दिस इज़ हाउ द पाउडर इज। आई एम सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है तो, बट प्लीज़ बेयर विद मी। प्लस ये जो इनर पैक है इस पर भी आपको सेम क्लेम्स वगैरह, इसका प्राइस या शेल्फ लाइफ सब आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एंड इसका कलर कॉम्बिनेशन, लाइक हाउ अपीलिंग द पैकेजिंग इज, कैन यू सी, बहुत ही सही पैकेजिंग लगी मुझे। ऑल दो ये सारा जो केस है ना इसका, ये कार्डबोर्ड का है यहाँ पे, तो 600 में मुझे लगा था थोड़ा बेटर हो सकता था, क्योंकि यार 600 में हम कार्डबोर्ड तो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ना। तो इस तरह का है ये कार्डबोर्ड, आप इसको ज़ोर से क्रश भी करेंगे ना तो ये क्रश हो जाएगा पूरा, बट मुझे करना नहीं है। तो अपीलिंग तो है पैकेजिंग, बट उतना ड्यूरेबल नहीं लगा मुझे, क्योंकि इस पर अगर पानी गिर जाता है कुछ तो ये ख़राब हो ही हो जाएगा। तो इस तरह का इसका पैकेजिंग है। एंड जब से ये मुझे डिलीवर हुआ है ना तब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हो इसका ये एम्बॉसिंग भी निकल गया है, काफ़ी यहाँ पर मैंने यूज़ भी कर लिया आप देख अगर पा रहे हो तो। यस इट कंट्रोल्स ऑयल, येस ऑफकोर्स। तो मैं इसको रोज़ अपने ऑफिस में यूज़ करती हूँ एंड यहाँ पे इसके आप देख सकते हो फॉल आउट्स भी काफ़ी है इस पाउडर के, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो फॉल आउट्स है इस पाउडर के, नहीं ऐसे नहीं है, बट यू नो काफ़ी अच्छे से ये ऑयल कंट्रोल भी करता है, ब्राइटन भी करता है एंड फेस को एक इवन टोन भी देता है। तो ये इसके क्रीम मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, तो पाउडर तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके साथ आपको कोई पाउडर पफ रिसीव नहीं होगा, आपको खुद से ब्रश से या फिर खुद के पास जो पाउडर पफ होगा उससे आपको उसे यूज़ करना होगा। इस तरह का है ये, आप देख सकते हो तुरंत ही मेरा फेस कितना ज़्यादा मैट लग रहा है एंड ब्राइटन अप भी लग रहा है। ऑल्सो ये जो पाउडर है बस एक ही शेड में अवेलेबल है जितना मुझे पता है, थोड़ा सा येल्लोइश है ये पाउडर, तो वो जो डार्क स्किन टोन है आई डोंट नो उन पर सूट करेगा या नहीं करेगा, बट थोड़ा लूज पाउडर का भी इस पर इफेक्ट है तो वो हट जाएगा लगाते ही, पूरा बैठ नहीं जाएगा पाउडर फाउंडेशन की तरह या कॉम्पैक्ट की तरह।
सच में काफ़ी ज़्यादा सही है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये पाउडर, बस प्राइस का थोड़ा कम होता तो और अच्छा होता। एंड बनाना कॉम्पैक्ट पाउडर है तो आपको एकदम कॉम्पैक्ट वाला हार्ड पाउडर भी नहीं है एंड बनाना मतलब लूज पाउडर भी, तो इनका कॉम्बिनेशन होके ये पाउडर है, इसलिए मुझे काफ़ी सही लगा। क्या आप ट्राई करोगे ऐसा कोई प्रोडक्ट, मुझे आप कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। सो ये था मेरा इस प्रोडक्ट पे क्विक रिव्यू प्लस डेमो, आपको अच्छा ही लगा होगा आशा करती हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो मेरे चैनल पर तो। एंड जो मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर से, यार क्या करें आप मेरी वीडियोस क्यों नहीं देख रहे हो, एक साइड पे मेरा सब्सक्राइबर काउंट काफ़ी अच्छे से बढ़ भी रहा है, एक साइड पे व्यूज़ भी नहीं बढ़ रहे, तो क्या चाहते हो यार आप लोग, मुझे कमेंट्स में बता दो कि क्या आपको कैसे वीडियोस देखनी है या क्या आप मेरे चैनल पे देखना चाहते हो, तो उस टाइप से मैं वीडियो बनाऊँ या ज़्यादा इनपुट्स अपनी तरफ से दे पाऊँ। तो यार गाइस ये था मेरा आज का रिव्यू, मैं आपसे मिलूंगी इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।